वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, और इससे पहले जो मैंने लेट नाइट जो रीडिंग मैंने अपलोड किया आई थिंक 11:30 पे, कुछ ग्लिच है। ठीक है, कैमरे में ग्लिच है, बहुत से लोग कंप्लेन कर रहे हैं, तो वो ग्लिच उसमें है और वो फिक्स कर दिया है। खैर मैंने उसको देख लिया, जो भी इशू था उसको फिक्स कर दिया है, लेकिन वो वीडियो जो है ना, आवाज़ उसमें बिल्कुल ठीक है लेकिन वीडियो बार बार हिल रही है। ठीक है, तो ये बात मुझे पता है कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ। ठीक है, वो अपलोड हो चुकी थी, उसके बाद मुझे समझ में आया है वीडियो, ये कैमरा जो है ना, पता नहीं क्या, सब कुछ ठीक है, कुछ ऐसा नहीं, कोई स्टोरेज ऐसी नहीं है, लेकिन फिर भी ये गर्मी की वजह से इस तरीके से, ये तो चार्जिंग पे था, डायरेक्ट चार्जिंग से निकाल के जब मैंने इसको यूज़ करा तो एक ग्लच आ गया वो गर्म होने की वजह से फ़ोन। ठीक है, तो वो फिक्स हो गया, तो वो मुझसे गलती हो गई। अगर मैं उसको थोड़ा सा ठंडा करके अगर मैं उसको यूज़ करती तो ठीक रहता। ठीक है, तो ठीक है, तो इस बात को मैंने, अब मैं क्या करती, वो वीडियो अपलोड हो चुकी थी और जब मैंने कमेंट देखना स्टार्ट करे तो फिर वो वीडियो पूरी हिल रही थी, लेकिन जो आवाज़ है वो आपको बैलेंस मिलेगी। ठीक है, मैंने पूरी देखी है कि आवाज़ बैलेंस है। वो जो आपको ऐसा लग रहा होगा कि कैमरा हिल रहा है, कैमरा हिल नहीं रहा, ये फ़ोन गर्म होने की वजह से, गर्मी की वजह से ग्लिच है। ठीक है, खैर मैंने फिक्स कर लिया है, थोड़ा सा आप उसको कॉपरेट कर लीजिएगा। ठीक है, चलें पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, आपके रिलेशनशिप का पास्ट, आपके रिश्ते का प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, क्या हो सकता है, आउटकम क्या रह सकता है। कलेक्टिव रीडिंग होगी, जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत करें, कीप एन ओपन माइंड, जितना रेजोनेट करे उतना रखें। ठीक है, आपकी, आपको क्लिक कर जाना चाहिए, जितनी आपकी स्टोरी लाइन है उतना ही आप कैच करें। ठीक है, और एक न्यू चैनल मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट करा है, उसका लिंक आपको मिलेगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स के नाम से, तो आप उस रीडिंग को भी देख सकते हैं, उन शॉर्ट रीडिंग्स को भी आप वॉच कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि जैसे यहाँ पे टॉपिक होते हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, एक्स की करंट फीलिंग्स, नो कांटेक्ट पे, आपके जोडियक साइन पे, मतलब कि मल्टीपल टॉपिक्स हैं, जिस तरीके से आपको पसंद है, आपके पास टाइम कम है तो आप उस शॉर्ट कंटेंट को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग थे जो शॉर्ट मांगते थे, ठीक है, तो वो चीज़ मैंने अलहदा ही कर दी, तो आप उसको जाके भी, उस चैनल का लिंक आपको मिलेगा कमेंट बॉक्स में, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें जिस तरीके से आप लोग करते हैं। ठीक है, थैंक यू। चलें टॉपिक की तरफ आते हैं, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जो मैंने आपको बता दिया थोड़ा सा लास्ट वाली वीडियो को लेकर, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा उसको। ठीक है, कोऑपरेट करें, क्या कर सकते हैं। रीडिंग अपलोड हो गई थी, डिलीट कर सकती थी मैं, लेकिन फिर व्यूज़ आ रहे थे, किसी से मैच हो रही थी, तो फिर मैंने हटाई नहीं, वो बीच में डिलीट हो जाती है और तो कुछ नहीं होता। ठीक है, चले आपके रिलेशनशिप का पास्ट। ठीक है, अभी आपका करंट कनेक्शन भी हो सकता है, कोई पास्ट कनेक्शन भी हो सकता है, ये एनर्जी बेस पे डिपेंड करता है, ये किस टाइम की इस रिश्ते में ये एनर्जी पिक कर रहे हैं टैरो। ठीक है, तो मैं कुछ भी इसमें, मतलब के कहन इरी के यहाँ पर आपका पास्ट कनेक्शन हो या न्यू कनेक्शन हो, ठीक है, टैरो जो पिक करता है मैं वही बताती हूँ। तो बहुत से लोग होते हैं कि न्यू एनर्जी बताएं, ठीक है, तो ये मेरे हाथ में नहीं है। ठीक है, ये मैं आपकी कोई पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही, ना ये मेरे हाथ में कि मैं उसको न्यू रीडिंग बोलूँ। भाई न्यू, अब जो एनर्जी होती है, जो पिक होती है, बस वो आपके सामने होती है। ठीक है, कुछ भी यहाँ पर स्पेशल करके या करंट कर या तो न्यू पर्सन कर नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब कि इस बात को अंडरस्टैंड किया करें, टैरो अनएक्सपेक्टेड होता है। ठीक है, इसको आप क्या आ रहा है, क्या निकल कर आएगा, किसकी, किससे पूरी रेजोनेट, किसी से कर जाएगी पूरी रीडिंग रेजोनेट कर जाएगी, किसी से मिड का पार्ट करेगा, किसी से स्टार्टिंग का पार्ट करेगा, तो ये टैरो अनएक्सपेक्टेड होता है। ठीक है, हमें नहीं पता कि ये क्या बताने वाला है। ओके, आपके रिलेशनशिप का पास्ट, अपने रिश्ते के बारे में आप सोच सकते हैं, जिस भी रिश्ते के बारे में अपने रीडिंग देखना चाहते हैं उसको माइंड में रखें, मेडिटेट करें। मैं भी तभी शफलिंग कर रही होती हूँ कि आपके रिलेशनशिप की एनर्जी सही निकल कर आए। चलें, योर रिलेशनशिप पास्ट, टू ऑफ कप्स, आपका पास्ट में रिश्ता अच्छा था। ठीक है, जिस भी
पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपने उसके साथ एक पास्ट कनेक्शन, एक पास्ट टाइम अच्छा गुजारा है, ठीक है, इस पर्सन के साथ आपकी आपका बॉन्ड, आपका रिश्ता अच्छा रहा है। 12 कप्स की एनर्जी है आपके रिलेशनशिप के पास, आपके इस रिश्ते के पास्ट में एक बहुत सोलमेट काइंड वाइब्रेशन थी, बहुत ज़्यादा इमोशंस थे और फ्यूचर को लेकर प्लान्स थे, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप का स्टार्टअप अच्छा रहा है आपका पास्ट, जब ये रिश्ता स्टार्ट हुआ तो इस रिश्ते में आप लोग एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे, आपके पार्टनर भी और आप भी, ठीक है, इमोशंस थे इस रिश्ते में, बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील होता था आपको भी और आपके पर्सन को भी। क्लैरिफाई 2 ऑफ कप्स, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है आपके रिलेशनशिप का पास्ट, क्लैरिफाई 2 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई 2 ऑफ कप्स। आपका रिलेशनशिप ये तो यहाँ पर ये रिश्ता, ये कनेक्शन एंड हुआ है किसी रिलीजियस कास्ट फैक्टर की वजह से, ठीक है, आप लोग के बीच रिलीजियस डिफरेंसेस रहे, कास्ट डिफरेंसेस रहे, ठीक है, या तो आप लोग के बीच यहाँ पर एक ऐसा सिचुएशन था कि आप लोग को झुकना पड़ा, मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें आप लोग के रिलेशनशिप में आ गई कि शायद इसका फ्यूचर प्लान नहीं हो सकता था, कुछ फ्यूचर बन नहीं पाता, ठीक है, अगर ये रिश्ते में ये सब चीज़ें इस तरीके से, मतलब कि ये रिश्ता किसी फैमिली कास्ट कल्चर या तो एज डिफरेंस कुछ ऐसा हुआ है कि आपको फ्यूचर को देखते हुए इस रिश्ते में कुछ हुआ, मतलब कि कुछ एंड हुआ, कुछ ख़त्म हुआ। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, एक पर्सन बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखा है इस रिश्ते को, वो नहीं चाहता था ये रिश्ता लूज हो जाए, मतलब कि मुसलसल कोशिश रही किसी एक की कि अगर फैमिली प्रॉब्लम है तो वो रिजॉल्व हो जाए, अगर कास्ट कल्चर प्रॉब्लम है तो वो रिजॉल्व हो जाए, कोई एक यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था ये रिश्ता बन जाए, किसी तरीके से ये रिश्ता चल पड़े, किसी तरीके से इस रिश्ते में एक पॉजिटिव साइड देखने को मिल जाए, ठीक है। डेथ की एनर्जी है, मतलब कि यहाँ पर कुछ इस तरीके की एनर्जी है, एंडिंग, जो इस रिश्ते में एंडिंग, जो रिश्ता ख़त्म हुआ है एक पर्सन की तरफ से, तो यहाँ पर होल्डिंग बैक किया गया है, ठीक है। यहाँ पर आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, यहाँ पर कास्ट कल्चर डिफरेंसेस, आप लोग के बीच एज डिफरेंसेस, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसे डिफरेंसेस जो आप लोग का फ्यूचर नहीं प्लान कर सकते थे, लेकिन एक पर्सन इस रिश्ते को लूज नहीं करना चाह रहा था, एक पर्सन इस रिश्ते को एंड नहीं करना चाह रहा था, एक पर्सन ने बहुत ज़्यादा जैसे कि इसको स्ट्रांगली होल्ड कर लिया था, एक पार्टनर, एक पर्सन हर तरीके का कॉम्प्रोमाइज़, हर तरीके का करने के लिए तैयार था, जिस तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ चाहिए इस रिश्ते को, वो इन्वेस्टमेंट उस तरीके की, उस तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ इन्वेस्ट करने के लिए तैयार था। और एक पार्टनर यहाँ पर ऐसा हो सकता है किसी की फैमिली की वजह से एंड हुआ है, ठीक है, यहाँ पर कोई किसी की फैमिली यहाँ पर नहीं चाह रही थी, आपके आपकी भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है किसी मेल की फैमिली हो, फीमेल की भी हो सकती है, ठीक है, किसी की फैमिली की वजह से ये रिश्ता एंड हुआ हो सकता है। आप लोग का रिश्ता अच्छा था, आप लोग के बीच कोई डिस्टेंस नहीं था, या कोई आप लोगों ने जब ये रिश्ता स्टार्ट किया था तो मतलब कि बहुत आगे तक का आप लोग सोच रहे थे, ठीक है, इस रिश्ते को प्लान कर रहे थे, पास्ट की एनर्जी कुछ इस तरीके की है। आपका रिलेशनशिप, आप लोगों ने एक एक हैप्पीनेस देखी है इस रिश्ते में, 2 ऑफ कप्स देखा है इस रिश्ते में, ओके। क्या प्रॉब्लम आई है जो एंडिंग इस रिश्ते की पास्ट में किसी वजह से एंडिंग हुई है और एक पर्सन यहाँ पर इस रिश्ते को जाने नहीं देना चाहता था, होल्ड करके रखा होता किसी एक ने, आपने या आपके पार्टनर ने, ठीक है, ओके। और क्या रही थी पास्ट की एनर्जी इस रिश्ते की, और क्या हो रहा था पास्ट में आपके कनेक्शन में। 10 ऑफ कप्स, फैमिली इशू, ये जो ड्रीम्स हैं ये पूरे होते या नहीं होते ये प्रॉब्लम था, ठीक है, बिल्कुल। आपके पार्टनर काफ़ी कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है, बहुत सोचा आपके पर्सन ने, बहुत सोचो विचार करा है इस रिश्ते के लिए कि क्या करना चाहिए, इस कनेक्शन में किस तरीके का स्टेप लेना चाहिए। एक स्लीपलेस नाइट, डिस्टर्ब एनर्जी, मुझे ऐसा लग रहा है फैमिली फैमिली प्रेशर रहा है आपके पार्टनर का, फैमिली आपके पार्टनर की नहीं चाह रही थी, किसी एक की फैमिली यहाँ पर इशू बनाई हुई थी कि ये रिश्ता आगे बढ़ नहीं सकता, आगे चल नहीं सकता, बहुत टाइम तक तो ये इन एंड आउट या तो बैक एंड फोर्थ एनर्जी में रहा ये कनेक्शन। लेट्स सी, देखते हैं, क्लैरिफाइड 10 ऑफ कप्स, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाइड 10 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई 10 ऑफ कप्स, ओके। हाँ, टावर हिट कर रहा है आपके रिश्ते को, ठीक है, सडनली जैसे कि आपका रिश्ता अच्छा चलते चलते कब बिखर गया, कब बिगड़ गया आपको पता ही नहीं चला पास्ट में, ठीक है,
जहाँ आप ख्वाब देख रहे थे, जहाँ आप ड्रीम सजा रहे थे सृष्टि की, यहाँ पे आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा, एक कम्युनिकेशन एक आर्ग्यूमेंट में बदल गई, फ्रस्ट्रेशन में बदल गई, रिजेक्शन में बदल गया, ये रिश्ता कब पता ही नहीं चला कि ये रिश्ता कब एक डिस्टेंस, ऐसा मतलब कि ऐसा फील हुआ कि जैसे कि एक टावर हिट करा और जैसे कि आपकी आपकी लव लाइफ में सब कुछ बिखर के रह गया, जहाँ आपको सारी होप्स थी, मैरिज है, कमिटमेंट है, अच्छा पर्सन है, अच्छा पार्टनर है, सब कुछ फिक्स है, करना ही क्या है, ठीक है, वो वाली बातें ना, जब दूल्हा दुल्हन राजी तो क्या करेगा काजी, तो आप लोग बिल्कुल रेडी थे, ठीक है, कि एज पे खड़े हुए थे कि सब ठीक है, सब बैलेंस है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड वे में आप लोग की कम्युनिकेशन एक आर्ग्यूमेंट में चेंज हुई, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है आप में से किसी एक को लगाओ कि एक पार्टनर यहाँ से भागना चाह रहा है, या किसी तरीके के माइंड गेम्स, या तो इस आर्ग्यूमेंट को करने में किसी एक पार्टनर का बहुत ज़्यादा हाथ रहा, ठीक है। फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है, फोर ऑफ कप्स यहाँ पर ये चीज़ दिखा रही है, रिजेक्शन सी फेस करी है एक पार्टनर ने, एक पर्सन से बहुत ज़्यादा होप मिलने के बाद एक रिजेक्टेड फील करना, सारे वादे करने के बाद उन वादों से मुकरना, किसी कोई मुकरा है अपने प्रोमिसेस से, कोई मुकरा है एक सडन वे में, सब कुछ जैसे जब दुनिया को पता चल गया आप लोग रिलेशनशिप में सब कुछ है, तो एक पर्सन ने जैसे एक बैक स्टेप किया है, फैमिली के ऊपर रख कर किया है, या अपनी वजह से किया है, ठीक है, फैमिली को रीजन बनाया है कि फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, कुछ ऐसा हुआ है, ठीक है, कि एक पर्सन ने स्टेप बैक किया है, एक पर्सन ने इन्वेस्ट करने से इनकार किया है, एक पर्सन ने साथ चलने से मना किया है, ठीक है, जैसे कि ये जो टावर हिट करा ये एक्सपेक्टेड नहीं था, जैसे कि जब ये हुआ है आप लोग आप सोच भी नहीं सकते थे इस रिश्ते में सब कुछ होने वाला, ठीक है। एक अच्छा खासा रिश्ता एक टावर में क्रिएट हो गया, ठीक है, यहाँ पर शायद डिस्प्यूट उठा मैरिज का, कमिटमेंट का, कमिटमेंट तक बात जानी थी, ठीक है, कुछ यहाँ पर मैरिज को लेकर डिस्कशन स्टार्ट हुई, जब हुआ ऐसा, क्योंकि यहाँ पे टेन ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है और हेरोफेंट की, हेरोफेंट मैरिज को इंडिकेट करता है, टेन ऑफ कप्स मैरिज को इंडिकेट करता है, यहाँ पर जब मतलब कि जैसे जब एक एक मैरिज के बारे में डिस्कशन स्टार्ट हुई, मैरिज के बारे में कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई, एक आर्ग्यूमेंट छिड़ गया आप लोगों के इस रिश्ते में, ठीक है, कुछ मतलब कि एक एक पार्टनर को डायरेक्टली फील हुआ कि एक पर्सन ने बैक स्टेप कर लिया, ठीक है, मतलब कि जो जो रिश्ते साथ चल रहा था, जो सब कुछ बैलेंस लग रहा था, फ्यूचर क्लियर लग रहा था, जहाँ मैरिज क्लियर लग रही थी, वहाँ सब कुछ एक क्लाउडेड हो गया, वहाँ सब कुछ कंफ्यूज हो गया अनएक्सपेक्टेड वे में, ठीक है, तो ये वो वाली एनर्जी है, एक पार्टनर को काफी रिजेक्टेड फील हुआ है और डिप्रेस डिप्रेस, एक पर्सन बहुत ज्यादा स्लीपलेस नाइट से गुजरा है, एक पर्सन ने बहुत ज्यादा इस रिश्ते को सोचा है, वो एक सडन कंफ्यूजन में आया है, कोई इमोशनल पर्सन, इमोशनली बहुत इन्वेस्टेड था ये पर्सन, ठीक है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, ये पर्सन कोई इमोशनली बहुत इन्वेस्टेड था, इसका बैलेंस होना इमोशनली बहुत मुश्किल रहा है बहुत लंबे अरसे तक, ठीक है, स्लीपलेस नाइट, एक डिस्टर्ब रहना, रात रात जाग कर इस रिश्ते के बारे में सोचते रहना, और एक कॉन्टेम्पलेट करना कहाँ मिस्टेक हुई, कहाँ गलती हुई, कहाँ इमोशंस इस पर्सन की लैक कर गए, क्या कमी छोड़ दी, कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा इस रिश्ते के बारे में सोच रहा है, क्योंकि डायरेक्टली चाहे वो पर्सन फैमिली का रीज़न दे रहा हो या किसी का भी रीज़न दे रहा हो, लेकिन एक इंसान को यहाँ पर जिसको बैक स्टेपिंग फील हुई है, मेरे व्यूवर भी हो सकते हैं, अगर आपको यहाँ पर इस पर्सन के साथ बैक स्टेपिंग फील हुई, तो आपको डायरेक्टली समझ में आया है जो आपके साथ खड़ा था उसने आपको बैक स्टेप करा है, यहाँ पे फैमिली और हालात और जज्बात बात में रीजन बनते हैं, पहले जो आपके साथ था उसने ही कदम पीछे ले लिए, ठीक है, तो स्टॉकिंग की गई है, आपने स्टॉकिंग की होगी यहाँ पर इस पर्सन की, इस पर्सन की लाइफ में चल क्या रहा है, ठीक है, इस चीज़ को लेकर आपने काफ़ी कॉन्टेम्परेट और पता करने की कोशिश की होगी, ऐसा क्या हुआ है कि ये जैसे कि जैसे ये पर्सन बिल्कुल ही एक इनकार पे आ गया, या ये फाइट करने का नहीं रहा, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन एक टॉक्सिसिटी में बदल गया आपका, ठीक है, जहाँ आगे चलने की बात हुई वहाँ आपको उस इंसान की टॉक्सिसिटी, जहाँ मैरिज और कमिटमेंट की बात आई वहाँ आपको उस इंसान की टॉक्सिसिटी देखने को मिली है, वहाँ एक आपको उसका एक रियल फेस देखने को मिला है, ठीक है, ओके। प्रेजेंट, इस कनेक्शन का प्रेजेंट क्या है, आप लोग के रिलेशनशिप का प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट टाइम फ्रेम पे रिश्ते में क्या हो रहा है, इस कनेक्शन का प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट टाइम फ्रेम पे हीलिंग,
यहाँ पर आप हील कर रहे हैं, ठीक है, सिचुएशन से आप अपने आप को हील कर रहे हैं, आपकी अवेकनिंग हुई है शायद, जो भी हुआ था, जो भी गोस्टिंग चल रही थी, जो भी आपके साथ हुआ, जो भी चीटिंग, लाइंग, बैक स्टेपिंग, जो भी एक डिसेप्टिविटी आपके साथ की गई, जो आपने मतलब कि आपने इस पर्सन को चेस करा है काफ़ी टाइम तक, एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में आपने आपको बैलेंस करना चाह रहे थे और बहुत टाइम तक आपने खुद को बैलेंस करने की कोशिश करते रहे हैं आप, ठीक है, मतलब कि आपको समझ में आया एट दी एंड, आपको एक अवेकनिंग मिली है, आपको एक रियलाइजेशन मिली है, एक राइट बैक स्टेपिंग तो इस पर्सन ने की है आपके साथ। ये चाहे किसी को भी अब ब्लेम कर दे, फैमिली को कर दे, अपने इर्द गिर्द माहौल को कर दे, या किसी भी फैक्टर को कर दे, आपको राइट एक एक मतलब के ट्रू जेन्युइन जो आपको एक एक रियलिटी दिखाई दी गई है वो इस पर्सन की दिखाई गई है, आपको एक अवेकनिंग मिली है इस पर्सन से रिलेटेड, एक रियलाइजेशन मिली है, एक मतलब के जो बैक स्टेपिंग रही वो इस इंसान के थ्रू रही, चीज़ों ने, हालात ने, जिस जिस पॉइंट पर इस इंसान ने आपको आके छोड़ा, ये इंसान बहुत अच्छे से जानता था, आपको अवेकनिंग हुई इस चीज़ को लेकर, ठीक है, तो आपकी एक हीलिंग एनर्जी, मतलब कि आपने खुद को डिसाइड करा है ऐसे इंसान से तो लाइफ अकेले बेहतर है, ठीक है, हीलिंग एनर्जी है, स्टार की एनर्जी है, क्लैरिफाई स्टार, क्लैरिफाई स्टार, क्लैरिफाई स्टार, ओके आप अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, अपनी ज़िंदगी में आप बैलेंस और स्टेबल होने के लिए रेडी हैं, आपकी विशेस पे फोकस करने के लिए रेडी हैं, आप उस सिचुएशन को और नहीं सोचना चाहते, ठीक है, यहाँ पर विश फुलफिलमेंट, आप अपनी लाइफ में किसी तरीके का न्यू स्टार्ट, स्टेबिलिटी, ठीक है, यहाँ पर ऐसा हो सकता है कमिटमेंट और मैरिज को लेकर स्टेबिलिटी भी हो सकती है, अपनी लाइफ में आप स्टेबल ग्राउंडेड होना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आप उस सिचुएशन से हील कर हैप्पीनेस को चूज़ करना चाहते हैं, खास तौर पर अपने मेंटल पीस को चूज़ करना चाहते हैं, मेंटल स्टेबिलिटी को चूज़ करना चाहते हैं, आप बहुत टाइम तक वेट करते रहे उस सिचुएशन का, क्या उस सिचुएशन में कोई चेंज आएगा, वो सिचुएशन आपकी लाइफ में वापस आएगी या नहीं, ठीक है, शायद आपका उस पर्सन से कनेक्शन इंटरनेट के थ्रू था, ठीक है, आप इंटरनेट के थ्रू उस पर्सन से कनेक्टेड रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है आपको बहुत होप थी वो सिचुएशन, शायद वो इंसान रियलाइज़ करे वो अपने हालातों को, या जो भी वो प्रॉब्लम एक फैमिली रिलेटेड या जो भी मैरिज से रिलेटेड जो भी इश्यूज उठे थे उनको रिजॉल्व करे, शायद आपको लगता था आपको बहुत देर तक, बहुत टाइम तक आपको होप थी वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस रिटर्न करेगा, वो पर्सन आपकी लाइफ में एक डेस्टिनी, आपने बहुत स्ट्रेस उठाया है उस चीज़ का, इस वजह से मतलब कि आपने होल्ड करके रखा है उस रिश्ते को, शायद आप बहुत ज़्यादा स्टबर्न नेचर दिखा रहे थे, बहुत ज़िद्दी, आपने बहुत ज़्यादा जैसे कि अपने आप को झुकाया भी नहीं, मैं ये कहूँ आप जैसे कि चेस कर रहे थे, आप डिस्टर्ब थे, आपने बहुत जैसे कि एक स्ट्रांग पर्सन बन के उस इंसान का वेट कराया, उसको बहुत एक लॉन्ग टाइम तक होल्ड करके रखा है अपने दिल में, ठीक है, आप हार्ट ब्रोकन थे उस इंसान की वजह से, उस जो भी उसने आपके साथ एक डिसेप्टिविटी करी या जो आपको डिच किया, बहुत मुश्किल से रिकवर हो सके हैं आप, बहुत मुश्किल से आपको एक रियलिटी फेस करी है आपने, टाइम टू टाइम आपको क्लैरिटी मिली है कि वो इंसान कसूरवार है इन सब चीज़ों का, ना कि उसके हालात, ना कि एक्स वाई जी, ठीक है, अगेन यहाँ पर माशा बड़ा डिफरेंट है, ठीक है, पता है क्या होता है, आपका दिल नहीं कर रहा, आपने रिलेशनशिप बना लिया, रिलेशनशिप के मज़े ले रही है, एट दी एंड अपनी फैमिली को रीज़न बना दो कि फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही, फैमिली नहीं मानेगी, मतलब कि जब रिलेशनशिप में जाने से पहले कि आप सो रहे थे, तो यहाँ पे ये आपको उस खास तौर पे उस पर्सन को लेकर ये रियलिटी चेक मिल गया है, ठीक है, वो चाहे रीजन कुछ भी बनाए, ये वो किसी भी तरीके का कास्ट कल्चर बना दे, एज डिफरेंस बना दे, या कोई भी इशू बना दे, वेल्थ इशू बना दे, आपका फाइनेंसिस इशू बना दे, या आपके किसी भी चीज़ को लेकर इशू बना दे, ठीक है, तो आपको एट दी एंड ये बात समझ में आ चुकी है, आपका मेंटल पीस तो असल तबाह करा वो उस इंसान ने करा जिसके साथ आप कनेक्टेड थे, सारा इंटरफेयर, सारी एक मतलब कि एक प्री प्लान, वो एक इंसान इस तरीके का माइंडसेट अपना बना के बैठा हुआ था, उसने आपको टाइम पे साथ देना ही नहीं था, ठीक है, उसने वो ऐसा मुकरा जैसे कि वो कभी आपके साथ ही नहीं था, एक अवेकनिंग स्टेज है यहाँ पे, जैसे कि जजमेंट कॉल होना, एक रियलिटी फेस करना, आपने उस इंसान की रियलिटी फेस कर ली, शायद बहुत देर में करी है, अब बहुत टाइम तक आप उसको ही सोचते रहे कि ऐसा हो सकता है कि फैमिली प्रेशर था, फैमिली प्रेशर नहीं था, फैमिली प्रेशर नहीं था, खैर प्रेजेंट टाइम फ्रेम पे आप खुद को हील कर रहे हैं, अपनी हैप्पीनेस को चूज कर रहे हैं, अपनी लाइफ में बिगनिंग कर रहे हैं, ठीक है,
अपने अपने आप को मेंटल स्टेबल कर रहे हैं, जो आप जो चीज़ आपका मेंटल पीस बर्बाद ना करे वो चीज़ चूज कर रहे हैं, अब वो जिसमें चीज़ में आपको खुशी मिले, ठीक है। डिटैच हो चुके हैं आप इमोशनली बेहद बेहद, क्योंकि उस इंसान का एक रियल फेस देखना आपको ऑटोमेटिकली डिटैच कर गया उस इंसान से, ठीक है। आप इमोशनली कनेक्टेड थे, इमोशनली इन्वॉल्व थे, इमोशनली आप उस रिश्ते में अपने आप को बहुत टाइम तक इन्वॉल्व फील करते रहे। आप उस रिश्ते को स्टेबल, आप उस रिश्ते को मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते थे, एक एज अ लवर बहुत टाइम तक स्टक रहे, एज अ लवर आप उस रिश्ते को देखते रहे। कुछ न्यू फेज स्टार्ट करना चाहते थे, मैरिज, कमिटमेंट, किड्स लाइफ, किड्स लाइफ, पर वहाँ से आप निकले हैं, ठीक है। आपकी हीलिंग पॉसिबल हुई है, आपने, क्योंकि एक होता है ना, आपने उस इंसान की रियलिटी को फेस कर लिया, तब ही हीलिंग आपको मिली है। ओके, और देखते हैं प्रेजेंट टाइम फ्रेम पे आपकी लाइफ में और क्या हो रहा है। हर्मिट एनर्जी, आपकी हीलिंग हो रही है, आप काफ़ी एक सोल से कनेक्टेड हैं, आप अपने आप को समझ रहे हैं, ठीक है। आपके क्या फैसले सही और क्या फैसले गलत, मतलब कि बहुत ज़्यादा खामोश, साइलेंट, डिस्टेंस। वर्गो एनर्जी है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग, ठीक है। यहाँ पे वर्गो हो सकता है आप या आपके पार्टनर, ठीक है, जिससे भी आप डील कर रहे हैं, आपकी एनर्जी वर्गो हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे है हर्मिट की एनर्जी, बहुत ज़्यादा साइलेंट, डीप। आप बहुत ज़्यादा आप उस पर्सन से कनेक्ट होने की कोशिश नहीं करते, आप उससे बात भी नहीं करना चाहते ना, आपको लगता है वो इंसान आपके लिए ठीक था, आपको ऐसा लगता है जो हुआ वो ठीक हुआ, आपकी आपके लिए बेहतर हुआ, वो आपको कहीं और जाके अकेला छोड़ता, उसने आपको सही टाइम पे अपनी असलियत या अपना रंग दिखाया, ठीक है। क्लैरिफाई हर्मिट, हर्मिट सेकेंड टाइम, बहुत ज़्यादा आप डीप सोल सर्चिंग कर रहे हैं, ठीक है। अपनी लाइफ में आप देख रहे हैं कि अब आपको आगे करना क्या है, आपकी लाइफ में कोई सोल कनेक्शन आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। एक सोल मेट काइंड एनर्जी, पास्ट को ख़त्म कर रहे हैं आप, मुकम्मल तौर पे पास्ट को एंड कर रहे हैं। पास्ट टॉक्सिक था, वो इंसान टॉक्सिक था, खास तौर पे आपके लिए, आपके सेल्फ के लिए वो टॉक्सिसिटी ही लेकर आया था। एक टॉक्सिसिटी है वो, एक मतलबी, एक सेल्फिश किस्म का माइंडसेट पर्सन रखने वाला था, ये बात आपको ये बैक स्टेपिंग बता के गई है। उसको जो अपना मतलब चाहिए था, जो आपसे चाहिए था उसको वो मिला, ठीक है। उसको और कुछ नहीं चाहिए था, आपकी तरफ आपका एक कोई एक सोलमेट अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। आप एक राइट पार्टनर, राइट पर्सन का वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ एक सोलमेट अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। पास्ट एंड हो चुका है, पास्ट कंप्लीटली आपके माइंड, आपकी सोल से रिमूव हो रहा है, ठीक है। आपके अंदर जो थोड़ा बहुत भी बचा था वो बिल्कुल एक एंडिंग पे आ चुका है, और मतलब कि रिकवर, आपका एक रिकवर मोड है, ठीक है। आप रिकवरी पे हैं इस वक्त। ये कनेक्शन कितना ही पुराना हो सकता है, 4 साल पुराना, 2 साल पुराना, 3 साल पुराना हो सकता है। इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को ख़त्म हुए 2-3 साल हुए हो सकते हैं, ठीक है, 2 साल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ एंड हुआ है और आपने ये, आपको रिकवर होने में अरसा लगा है, समझने में अरसा लगा है अपने आप को और सिचुएशन को, ठीक है, आपको ये टाइम लगा है। ओके, आउटकम आपका फ्यूचर क्या हो सकता है, आपका फ्यूचर क्या रहेगा। आप बहुत ज़्यादा सोच समझ कर अपनी लाइफ में, आप पर्सन को जैसे कि मैरिज और कमिटमेंट के लिए बहुत सोच समझ कर एंटर करेंगे, आप ऐसे नहीं करेंगे। आपका सोल काउंटर पार्ट, एक सोल मेट जो डिवाइन की तरफ से आपके लिए बनाया गया है, आपने जो स्ट्रेस देखा, आप जो जिस जगह से गुजरे वो डिवाइन जानता है और आप जानते हैं, ठीक है। आपका जो ट्रस्ट लेवल जो ब्रेक हुआ है, आप बहुत सो अब मैरिज या कमिटमेंट या एक उस इंसान तक आप ऐसे अपनी लाइफ में उस इंसान को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मैरिज तक नहीं जाएंगे आप, ठीक है, स्टेबिलिटी तक नहीं जाएंगे आप, जब तक आपको वो पता ना चल जाए कि वो आपके लिए कैसा इंसान है, वो आपके लिए जेन्युइनली वो आपके साथ है या वो आपकी एक चीज़ों के साथ है, वो आपकी मटेरियलिस्टिक चीज़ों के साथ है, या वो आपके जो वो जिसको आप जो प्रोवाइड कर रहे हैं अब वो उसके साथ है। अब ये बात आपको समझ में आ चुकी है, इंसान आपको कैसा चूज करना है, वो इंसान आपको ये चीज़ रियलाइज करवा के गया है, ठीक है। ओके, अब देखते हैं आउटकम आपकी लाइफ में, किस तरीके का पर्सन अट्रैक्ट हो रहा है, अट्रैक्टिव, ठीक है। ये काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सन होगा, पैशनेटिव, ये एरीज लियो सेगिटेरियस हो सकता है जो पर्सन न्यू अट्रैक्ट हो रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। ये आपसे लव करेगा, इसके अंदर एक लविंग केयरिंग एनर्जी होगी, आपको आपको ये पर्सन एक एक लव, मतलब कि केयर, लव और केयर होगी इसमें आपके लिए। क्लैरिफाई किंग ऑफ फैंस,
इमोशंस होंगे, किस पर्सन में इमोशंस होंगे। यहाँ पर है द व्हील, ये वो वाला टाइम है जो आप हंसना भूल गए थे, आप मुस्कुराना भूल गए थे, जो आपकी लाइफ एक ट्रैक से हट चुकी थी, आप वापस ट्रैक पे आ रहे हैं। ठीक है, द टावर। आपको लगता है उस इंसान को उसका कर्मा मिलना चाहिए। ठीक है, आप इस चीज को सोचते हैं, जो उसने आपके साथ किया है वो अपना कर्मा भुगते, वो जहां भी है वो अपनी लाइफ में अपने कर्मा को फेस करे। आपका आपका माइंड में ये रहता है कि आप चाहते हैं वो इंसान अपनी जिंदगी में जहां भी है, अपने अपने कार्मिक डेब्ट जो उसने आपके साथ कर्मा करा है, कार्मा क्रिएट करा है, वो उसको रिटर्न में मिले। ठीक है, कैसे भी मिले, लेकिन डिवाइन जानते हैं कैसे मिलेगा, मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे एक व्हील की एनर्जी है, व्हील जब टर्न होना स्टार्ट होगा, वो इंसान खुद अपनी लाइफ में अपनी कार्मिक साइकिल, अपने अपने कर्मा को सामने पाएगा अपने। ठीक है, टावर की एनर्जी है। आपके माइंड में ये चीज़ रहती है, जो उसने बोया है वो काटे वो। ठीक है, इमोशनल पर्सन है जो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगा, लेकिन आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचते हैं उसको वो जरूर मिले जो उसने आपके साथ किया। ओके, प्रैक्टिकल हो गए, थोड़े से आप कोल्ड हो गए। ठीक है, आपका जो बिहेवियर है और नेचर है, एक चेंज आया उसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर आप थोड़ा सा वक्त के साथ बदले हैं। शायद आप पहले वक्त एक वक्त पहले कुछ और इंसान थे, और आज अब आप कुछ और इंसान हैं। बहुत प्रैक्टिकल फैसला करेंगे। ऐसा हो सकता है आप अपने पेरेंट्स और मतलब कि अपनी फैमिली की, फैमिली जो कहे आप वैसे ही मैरिज और वैसे ही कमिटमेंट करें। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल डिसीजन होगा, लव करके देख लिया। ठीक है, फादर फिगर, आपके फादर की शायद आपकी लाइफ में, आपके आपके घर में बहुत ज़्यादा होल्ड है, तो फादर की मर्जी से कर सकते हैं आप मैरिज। ठीक है, लेकिन जो भी पर्सन होगा, बिल्कुल यहाँ पे फादर का मुझे बहुत ज़्यादा एक होल्ड नज़र आ रहा है, इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है आपकी मैरिज में। ठीक है, यहाँ पर आपकी लाइफ में काफ़ी प्रैक्टिकल मोड पे, प्रैक्टिकल साइड पे आ चुके हैं। ये अरेंज मैरिज भी हो सकती है, लेकिन जो भी पर्सन होगा वो आपके लिए बहुत एक ब्राइट एनर्जीज लेकर आएगा, एक लवर। ठीक है, एक इमोशनल, जो आपको इमोशनल सपोर्ट चाहिए वो इमोशनल सपोर्ट मिलेगी। केयरिंग आप हैं, जैसे कि आप पैम्पर करने वाले, अंडरस्टैंड करने वाले, इमोशनली सब कुछ प्रोवाइड करने वाले इंसान है। ठीक है, तो वो तो आपको मिलेगा। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ सोर्ड्स, बहुत लंबे अरसे तक आप स्टक रहे हैं उस सिचुएशन में, उस चीज़ ने आपको थोड़ा सा कोल्ड बना दिया, उस चीज़ ने आपको थोड़ा ब्लंट बना दिया, उस चीज़ ने आपको थोड़ा सा एक जैसे कि प्रैक्टिकल बना दिया है। ठीक है, इस टाइप की एनर्जी है। थोड़ा सा आपका ध्यान जो है ना, अपनी लाइफ में पार्टीज या ऐसी जगह पे ज़्यादा जा चुका है, या फ्रेंड सर्कल, या तो बहुत ज़्यादा जैसे एक आउटिंग, एक पार्टी वाली एनर्जी से, उस चीज़ से बाहर आए। ठीक है, अपने आप को एक मेच्योरिटी की तरफ लेकर आए। आपका हार्ट ब्रेक होने की वजह से आपने ऐसी चीज़ें चूज़ करी अपनी लाइफ में। ठीक है, अपने आप को ब्लॉक होने की वजह से, लेकिन अब आप क्लियर हैं। ठीक है, आपको जैसे कि एक क्लैरिटी मिली कि आपकी लाइफ में उस पर्सन के साथ या आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा था। अगर आप यहाँ पर मेल हैं, तो आपने बहुत ज़्यादा मतलब कि अपनी लाइफ में उन लोगों के साथ वक्त गुजारना स्टार्ट कर दिया जो आपका ये गम भुला दें, जो आपकी सोच को बदल दें, जो आपको एक इनर पीस दे दें, जो आपके अंदर से ये फ्रस्ट्रेशन को रिमूव कर दें, जो आपके अंदर जो एक ऐसी आपको बार बार एक हॉन्ट करती है, आपने मिस्टेक करी अपनी गलती में, अपनी लाइफ में एक मिस्टेक कर दी, गलती कर दी आपने, ऐसे इंसान को चूज कर कर, ऐसे इंसान पे ट्रस्ट कर कर, या ऐसे इंसान से एक ट्रू लव कर कर। ठीक है, आप आपके पास क्लैरिटी है कि जो हार्ट ब्रेकिंग हुआ है, या जो आपका हार्ट ब्रोक हुआ है, या फिर जो भी आप लोग को पेन मिला है, गलती आपकी रही है। ठीक है, आपने प्रैक्टिकल होकर सोचा नहीं, आपने सब कुछ आपके सामने था लेकिन आपने देखा नहीं। ठीक है, लेकिन आप उन सब चीज़ों से रिस्क टेकिंग कर रहे हैं, उन सब चीज़ों से आप बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, अपनी लाइफ में आप मूवमेंट कर रहे हैं, उन सब चीज़ों से आप निकल रहे हैं, आपने जैसे कि डिसाइड कर लिया कि वो जगह आपकी नहीं है। बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम तक आप आर्ग्यूमेंट में, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े में आप फंसे रहे, बहुत लंबे अरसे तक आपने इन एंड आउट, तो उस पर्सन से बीच में आपकी बात होती रही है, कम्युनिकेशन में आप लोग आते रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन कभी भी आपको उस इंसान के लिए आपका माइंड क्लियर नहीं हुआ। आपके माइंड में उसके लिए बहुत कुछ है। आप इंसान को जैसे कि शायद आपकी जो रिस्पेक्ट, जो वैल्यू करते थे, आप उसको अच्छे अल्फाज में भी नहीं पुकारते, अच्छे अल्फाज भी नहीं कहते। एक होता ना पीठ पीछे इंसान एक अच्छे अल्फाजों में पुकारे, आपके माइंड में कुछ है, आप उसको लेकर एक आपका माइंड बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है।
आपको लगता है वो एक मैनुपलेटर पर्सन है, उसने मैनुपलेट करा है आपको जिंदगी भर, ठीक है, एक मैनुपलेट वाली एनर्जी है। तो मतलब क्या आपकी लाइफ स्लोली बट श्योरली, ठीक है, अपनी जिंदगी में आप मूवमेंट कर रहे हैं एक हीलिंग की तरफ है, अपनी विशेष की तरफ है, आप कहीं ना कहीं अपने उस इंसान से मिलेंगे जो आपके लिए डेस्टाइन है, ठीक है, लेकिन अपनी लाइफ में आपने सफर करा है उस इंसान की वजह से, काफी सफर करा है उस इंसान ने आपको, उस इंसान ने आपको मतलब के अंदर से वूंडेड किया है, और आप चाहते हैं वो अपनी लाइफ में इस चीज को फेस करे जो उसने आपके साथ किया है, जो कर्मा उसने आपके साथ क्रिएट करा है, लेकिन आपने ये अपने हाथ में नहीं लिया, आपने डिवाइन पे दिया है, ये सब कुछ आपने डिवाइन को सौंपा है, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखते हो, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।